नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0112397804। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मारुति विटारा ब्रेजा के साथ में टाटा की नेक्सॉन को कंपेयर करने वाले हैं। आपको मालूम है कि दोनों ही गाड़ियों का सेगमेंट सेम है और दोनों ही गाड़ियों के हम केवल पेट्रोल के टॉप एंड वेरिएंट को ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अब विटारा ब्रेजा केवल पेट्रोल में मिलती है, पहले ये केवल डीजल में मिला करती थी। दोनों की प्राइसिंग में भी दोस्तों लगभग 5000 रुपये से लेकर 15000 रुपये का प्राइस गैप है और मेरी मायने में नेक्सॉन वो गाड़ी है जो मारुति के गाल पर एक बहुत ही करारा तमाचा है। नेक्सॉन इज अ कार विच इज एनी टाइम 1000 times मच बेटर एंड वर्थ बाइंग कार ओवर एंड अबव मारुति विटारा ब्रेजा। नेक्सॉन अगर मेरी मानिएगा तो आज की रेट में इंडिया की सबसे बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एंड वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको ऑफर करती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कई सारे रीजंस है दोस्तों, जिसके लिए इस वीडियो को आखिर तक हमारे साथ में ज़रूर देखिएगा। मैं हर एक सेक्शन के साथ में सभी पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करूँगा और वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप भी बताऊँगा। आपको क्या लगता है कि मारुति की विटारा ब्रेजा टाटा की नेक्सॉन से आपको बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? इन दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है, क्या वो आपको मारुति की विटारा ब्रेजा को भूलकर टाटा की नेक्सॉन खरीदने पर मजबूर कर सकता है? इन दोनों गाड़ियों में से आपको क्या लगता है, ब्रेजा नेक्सॉन से बेहतर है या फिर नेक्सॉन इज ऑल टाइम सुपीरियर एंड बेटर देन ब्रेजा? आप क्या सोचते हैं, दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी पैकेज ऑफर करती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय का मुझे हमेशा इंतज़ार होता है, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और हमेशा की तरह अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियां लगभग सेम हैं, दोनों में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि नेक्सॉन ब्रेजा से लगभग 25 mm ज़्यादा बड़ी है विड्थ में और हाइट के मामले में ब्रेजा नेक्सॉन से लगभग 36 mm बड़ी है। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो जहाँ तक ब्रेजा की बात है, ब्रेजा में आपको मिलेगा 1.5 liter का पेट्रोल इंजन जो कि 105 PS की पावर जनरेट करता है लगभग 6000 RPM पर और 138 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 RPM पर। वहीं नेक्सॉन की जहां तक बात है दोस्तों, नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS की पावर जनरेट करेगा 5500 RPM पर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है लगभग 1750 से लेकर 4000 RPM पर। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर टाटा की नेक्सॉन क्लियरली विनर साबित होती है, क्योंकि ब्रेजा का इंजन 1.5 लीटर बड़ा होने के बावजूद भी वो बेहतर नहीं है, क्योंकि वो कम पावर प्रोड्यूस करता है और कम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ कि ब्रेजा में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन 3-सिलेंडर आता है लेकिन उसमें टर्बोचार्जर भी आता है। लेकिन आपको इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि 1.5 लीटर बड़ा तो है लेकिन ब्रेजा बेहतर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों गाड़ियों के बारे में जानते हैं बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है। तो एक नज़र डालेंगे कर्व वेट पर। जहां तक विटारा ब्रेजा की बात है, जिसे जानकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में से
किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत और बेहतर है, तो ब्रेजा आपको ऑफर करती है 1125 किलोग्राम से लेकर 1140 किलोग्राम का वज़न, वही नेक्सॉन का वज़न है 1188 किलोग्राम से लेकर 1250 किलोग्राम तक। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर भी नेक्सॉन बाजी मार ले जाती है। जहाँ तक ब्रेजा का सवाल है, ब्रेजा NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग ला चुकी है, लेकिन हम इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि टाटा की नेक्सॉन NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग लाने वाली इंडिया की सबसे पहली कार थी। तो यहाँ पर भी नेक्सॉन अपना सिक्का जमा लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगे हाथ तो दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ब्रेजा में आपको मिलता है केवल 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं टाटा की नेक्सॉन आपको ऑफर करेगी 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर भी नेक्सॉन बेहतर साबित होती है और आगे निकल जाती है। टर्निंग रेडियस की जहाँ तक बात है दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में ये लगभग बराबरी का मामला है। ब्रेजा में आपको मिलता है 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं नेक्सॉन में आपको मिलेगा 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो ब्रेजा में जहाँ पर आपको मिलता है 48 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं नेक्सॉन आपको ऑफर करेगी 44 लीटर का फ्यूल टैंक। और हमेशा की तरह जब हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाँ तो माइलेज की भी बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के बारे में, इस पर भी गौर कर लेते हैं। तो जहाँ पर नेक्सॉन की बात है, नेक्सॉन में आपको मिलता है 17 KMPL से लेकर 18 KMPL तक का माइलेज, वहीं ब्रेजा में आपको मिलेगा 18.76 KMPL का माइलेज। तो यहाँ पर डेफिनेटली ब्रेजा आगे निकल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो जहाँ पर मारुति की ब्रेजा में आपको केवल 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं आपको नेक्सॉन में 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉय व्हील्स। तो जहाँ तक दोनों गाड़ियों की बात है, ब्रेजा और नेक्सॉन दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि एक्सेप्ट फ्यूल इकोनॉमी, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके अलावा बाकी सभी चीज़ों में नेक्सॉन मारुति की विटारा ब्रेजा से मच वे बियॉन्ड बेटर कार है और सुपीरियर कार है। आपको क्या लगता है कि आज की इस फाइट में कौन जीतेगा, कौन सी गाड़ी बेहतर साबित होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स के बारे में बात करें तो जान लेते हैं और एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, जो कि है दोस्तों प्रोजेक्टर हेडलैम्प। दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगे। LED DRLs आपको मिल जाती हैं, ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे, फ्रंट फॉग लैम्प्स आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स दोनों गाड़ियों में कॉमन मिलेंगे। रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVM विद टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। रियर स्पॉइलर भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों में ड्यूल टोन रूफ का कलर ऑप्शन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि अगला फीचर क्या है। तो दोनों गाड़ियों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिलता है। फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज पीस आपको मिल जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है और रियर AC वेंट्स भी दोस्तों दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों गाड़ियां आपको डे नाइट IRVM का फीचर ऑफर करती है। पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर भी दोनों गाड़ियों में आ जाता है। दोनों ही गाड़ियां आपको कूल ग्लव बॉक्स ऑफर करती हैं, लेकिन टाटा नेक्सॉन का कूल ग्लव बॉक्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा और बेहतर है। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब आपको दोनों गाड़ियां ऑफर कर देती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आ जाता है, अलॉन्ग विथ बेसिक फीचर्स जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, AM/FM, USB, ऑक्सिन वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है, लेकिन नेक्सॉन का सिस्टम थोड़ा बेहतर है क्योंकि वो हार्मन कार्डन का सिस्टम है। रियर व्यू पार्किंग कैमरा अलॉन्ग विथ रियर व्यू पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों में। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाएंगे। रियर वाइपर एंड वॉशर आपको मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों में। दोनों गाड़ियां आपको सेफ्टी के मामले में मिनिमम ड्यूअल एयरबैग्स ऑफर करती हैं। ABS प्लस EBD के साथ आएंगी और हिल होल्ड असिस्ट का फीचर दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन मिलता है। तो लगभग ये 27 फीचर्स थे दोस्तों जो दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मारुति की विटारा ब्रेजा में आपको मिलने वाले फीचर्स जो आपको टाटा की नेक्सॉन में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो जहां पर नेक्सॉन आपको AMT में आती है, वहीं मारुति की विटारा ब्रेजा आपको 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है।
हाल ही में मैंने फोर्ड की इको स्पोर्ट्स के साथ में मारुति विटारा ब्रेजा का एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है, जहां पर इको स्पोर्ट्स 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती हैं, वही ब्रेजा आपको केवल 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मारुति के ब्रेजा में आपको स्मार्ट हाइब्रिड यानी कि जिसे हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं आइडल स्टॉप एंड आइडल स्टार्ट का जो फीचर है वो मिल जाता है। कुल मिलाकर ये केवल दो फीचर है दोस्तों जो आपको ब्रेजा ऑफर करती है, ये आपको नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन दोज आर ऑल गिमिक फीचर्स जिनका होने से या ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में, जिसे आप दिया लेकर भी अगर ढूंढने जाओगे तो दूर दूर तक वो सारे फीचर्स आपको मारुति की विटारा ब्रेजा में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, जो कि है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। आपको टाटा की नेक्सॉन में मिल जाता है, जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको शार्क फिन एंटीना विद GPS देखने को मिल जाएगा। नेक्सॉन में आपको आगे के दोनों डोर्स में अम्ब्रेला होल्डर्स मिल जाता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाएगी। नेक्सॉन में आपको 15 लीटर का यूनिकली डिजाइन मल्टी यूटिलिटी कूल ग्लव बॉक्स मिलेगा, अलॉन्ग विद 2 कप होल्डर्स, बिजनेस कार्ड या फिर विजिटिंग कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होल्डर एंड 2 कप होल्डर, साथ में आपको वॉलेट होल्डर भी आ जाएगा। इसके अलावा आपको दोस्तों 7 इंचेस का हर्मन का म्यूजिक सिस्टम नेक्सॉन ऑफर करती है, जिसमें बेसिक फीचर्स के अलावा आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मिलेगा कॉल लॉक्स फॉर इनकमिंग आउटगोइंग एंड मिस कॉल्स। उसके अलावा आपको कॉन्फ्रेंस कॉल का फीचर मिलेगा, कॉल रिजेक्ट विद SMS, इनकमिंग SMS एंड उसका रीड आउट नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है, इमेज एंड वीडियो प्लेबैक आपको मिल जाएगा, वॉइस कमांड रिकग्निशन नेक्सॉन ऑफर करेगी फॉर फोन मीडिया एंड क्लाइमेट, प्लस टाटा का स्मार्ट ऐप आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ नेक्सॉन को आप लाइव व्हीकल ट्रैकिंग के साथ में देख सकते हैं और उसे लाइव डायग्नोस भी कर सकते हैं। रिमोट व्हीकल कंट्रोल आपको इसमें मिल जाएगा फॉर हेडलाइट लॉक एंड हॉर्न के लिए, और इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स आपको इसके म्यूजिक सिस्टम में मिल जाएंगे। और इसे कतई नहीं भूल सकते कि ये हार्मन का सिस्टम है, तो इसकी म्यूजिक क्लैरिटी आपको ब्रेजा के सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। आगे मुड़ते और बात करते हैं अगले फीचर के बारे में दोस्तों, जो कि है मल्टी ड्राइव मोड्स, जो आपको इको, सिटी एंड स्पोर्ट, ये तीन मोड आपको नेक्सॉन ऑफर करेगी जो ब्रेजा में नहीं मिलेंगे। उसके अलावा नेक्सॉन में आपको एक्सप्रेस कूल का फास्ट एयर कंडीशन कूलिंग फीचर मिल जाता है, एक स्मार्ट वॉच की तरह स्मार्ट वेयरेबल की आपको मिल जाएगी। और सेफ्टी के मामले में जहां तक नेक्सॉन की बात है, तो इसमें आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, रोल ओवर मिटिगेशन का फीचर आपको मिल जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल आपको मिल जाता है, ब्रेक डिस्क वाइपिंग का फीचर आपको मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलेगा, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि आपको टाटा की नेक्सॉन में मिलता है, वो है ग्लोबल एनकैप 5-star सेफ्टी रेटिंग। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये हैं 17 से 18 फीचर्स जो आपको टाटा की नेक्सॉन में मिल जाएंगे, लेकिन ये दूर दूर तक आप दिया लेकर भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो मारुति की ब्रेजा में आपको ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां ब्रेजा में आपको केवल 2 साल और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, वहीं नेक्सॉन में आपको 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, जो ब्रेजा से कहीं बेहतर है। अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि है दोस्तों प्राइस गैप। शुरुआत करेंगे दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग से, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो भी प्राइसेस मैं कोट करूँगा दोस्तों वो एक शोरूम कॉस्ट है और दोनों ही कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा और वहीं से आपको एग्जैक्ट प्राइस मिल पाएगी। जहां तक ब्रेजा का सवाल है, पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट जो है ZXI प्लस ऑटोमेटिक 4-speed, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 11,15,000 रुपये का मिल जाएगा। वहीं नेक्सॉन का जो पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट है दोस्तों, वो XZA+ ऑप्शनल विद ड्यूअल टोन रूफ, ये आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मिलेगा 11,20,000 रुपये तक का, जो कि ब्रेजा के वेरिएंट से लगभग 5,000 रुपये महंगा है। वहीं अगर आप नेक्सॉन के साथ में ड्यूअल टोन रूफ नहीं लेना चाहते हैं तो आप लगभग 15,000 रुपये बचा सकते हैं, और सेम वेरिएंट सारे फीचर्स के साथ में आपको केवल 11,00,000 रुपये में मिलेंगे, जो कि नेक्सॉन से 15,000 रुपये सस्ता आएगा। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं दोस्तों कंक्लूजन की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर डेफिनेटली 200% टाटा की नेक्सॉन जीत जाती है, बाजी मार ले जाती है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बेहतर है, 5-star सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आती है, टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स आपको ऑफर करती है, बेटर इंजन पावर आउटपुट आपको देती है,
बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी आपको देगी, बेटर राइड एंड हैंडलिंग देगी, बेटर कंफर्ट देगी, बेटर म्यूजिक सिस्टम देगी, बेटर स्पेस देती है, बेटर बूट स्पेस ऑफर करी और बेटर वारंटी के साथ में आती है। ये सारी चीज़ें मारुति की ब्रेजा में मिसिंग है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको जो 5000 रुपये नेक्सॉन में एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, अगर आप ड्यूअल टोन रूफ के साथ में उस ऑप्शन को या वेरिएंट को खरीदते हैं, तो साथ में आपको 17-18 लंबी सारी लिस्ट है जो फीचर्स आपको केवल 5000 रुपये में मिल जाते हैं। वहीं अगर आप ड्यूअल टोन रूफ को कैंसिल करते हैं तो 15000 सस्ते में आपको ये सारे फीचर्स नेक्सॉन ऑफर करती है, जो कि ब्रेजा उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाती है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं अपने लिए केवल और केवल नेक्सॉन को ही चुनूंगा, अगर मैं मारुति विटारा ब्रेजा का पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट लेने की सोच रहा हूं तो। ये उन कंज्यूमर्स के लिए एक बेहतरीन और फायदे का सौदा होगा, वैल्यू फॉर मनी पैकेज इसमें आपको मिल जाता है दोस्तों। आपको क्या लगता है इस फाइट में, आज की जो घमासान चल रहा था इसमें कौन जीता? अभी आपको तय करना है दोस्तों कि आप अपने लिए अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सी गाड़ी चुनते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपने क्या चुना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह दोस्तों, जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।